अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नेल्लूर से बात करती हूँ। नौहर अप्पा को मैं तकरीबन 9 सालों से जानती हूँ कि नौहर अप्पा कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी मैं नौहर अप्पा के बारे में सुनती तो हर बात में नौहर अप्पा की अच्छाई ही नज़र आती और भलाई ही नौहर अप्पा करती। लेकिन तकरीबन 2 या 3 महीने से मेरे आंखों के सामने ऐसे वीडियोस आते हैं जिसको देख के मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, और मेरे कानों में ऐसी बातें सुनाई देते हैं जिसे सुन के मेरे आंखों में आंसू आते हैं। लेकिन हकीकतन नौहर अप्पा के बारे में जो बातें मैं देखती हूँ और सुनती हूँ, हरगिज ऐसे नौहर अप्पा नहीं है और ऐसे भी नहीं है। लेकिन लोग किस लिए ऐसा करते हैं हरगिज मालूम नहीं है। लेकिन लोग क्या करना चाहते हैं कि मालूम नहीं है। लेकिन हम कहते हैं हाँ तुम्हारे पैसे आना नहीं है बैंकों में से, लेकिन जब आदमी कौन से तो जॉब करने के लिए बिजनेस रखता तो उसमें कुछ तब्दीली होती है, उस तब्दीली में कुछ ना कुछ होता है, इस वजह से पैसे रुक गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नौहर अप्पा तुम्हारे माल खा लिए और तुम्हारे पैसे नहीं रहती है और नौहर अप्पा तुम्हारे पैसे लेके छुप गए और नौहर अप्पा दिख नहीं पाती है। ये तमाम गलत बातें हैं। हकीकतन अगर तुम सोचेंगे तो इतने दिन से हमारे कितने साल से पैसे डाले हुए हैं, पैसे आते हैं लेकिन 2-3 महीनों से नहीं आते हैं। लेकिन आते जरूर आते तुम्हारे पैसे। नौहर अप्पा तुम्हारे पैसे हमको धोखा देने वाली हरगिज नहीं है। और मैं खुद धीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में पैसे डाली हूँ और तक हर महीना मेरे वास्ते पैसे आते थे और मैं इस दुकान को भी चला रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 3 या 2 महीनों से पैसे नहीं आते हैं। अब मैं भी ये बोलना कि मेरा दुकान नहीं चलता है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दुकान तो चल रहा है, पैसे नहीं आते हैं। पैसे आने का नहीं आने का क्या है, देते लेकिन अल्लाह तआला तो देता है ना, उस पर भरोसा करने वाला है। लेकिन अक्सर बोलने में ये नजर आता है कि हम जुबान से नहीं कहते लेकिन हम ना कुछ दिल में रहता कि पैसे नहीं आना है। ऐसा भी नहीं होता कि हम पैसे घर चलना भी नहीं है, घर चलता। अगर पैसे ज्यादा रहने की वजह से हम बैंक में डालते हैं, कम है तो बैंक में नहीं डालते। पैसे आते इंशाल्लाह जरूर आते। और तुम लोग ऐसे बातें ना कहो नौहर अप्पा को तकलीफ हो, तुम्हारे पैसे लेके नौहर अप्पा कहाँ भी भाग नहीं जाती, तुम्हारे पैसे देने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन बहुत सारे लोग पैसे डाल के हैं, अब पैसे लेने का है, तमाम लोग आके पड़ गए पैसे दियो गए तो तब तमाम लोगों को पैसे नहीं दिया जाता। कुछ बैंक के भी रूल्स रहते हैं, इतने हजार को महीने को इतना देते, रोजा इतना देते बोल के रहता है, लेकिन तमाम पैसे एक ही मरतबा देना। और नौहर अप्पा हमको धोखा देके चले जाती है, नौहर अप्पा पैसे लेके खा के छुप गई है, ऐसे बातें हरगिज मत कहो। लेकिन हकीकत हम जानते हैं नौहर अप्पा जब भी हर किसी की मदद करती है, जब परेशानी हाल के लोग सामने गुजरते हैं तो नौहर अप्पा मदद करती है, इनकी मदद करती है। लेकिन तुम्हारे पैसों को हरगिज नहीं खाती है नौहर अप्पा। और तुम लोग मिला तो बहाना बोल रहे को नौहर अप्पा हमारे पैसे नहीं देती है, नौहर अप्पा हमारे पैसे इतने 2-3 महीने हो गए बैंक में पैसे पूरे खत्म हो गए। नहीं, तुम्हारे पैसे तमाम पैसे नौहर अप्पा के पास महफूज है और मेरे पैसे भी नौहर अप्पा के पास महफूज है। मैं तो अल्लाह पर भरोसा करती हूँ और मुझे नौहर अप्पा पर भी भरोसा है। इतने दिन तक देती है, अब भी देती रहेगी इंशाल्लाह। इतने दिन तक पैसे में फायदा आता था, अल्हम्दुलिल्लाह हमें खाते थे और हमें खुशहाली के साथ रहते थे। तकरीबन 2 या 3 महीने से पैसे नहीं आते कहकर हमें नौहर अप्पा के ऊपर ऐसा झूठ बात बांधना ये अच्छी बात नहीं है। जब पैसे आता था तो हमें आराम से खाते थे लेकिन जुबान नहीं उठाते थे। लेकिन अबे ऐसा जुबान से हमें नौहर अप्पा के बारे में गलत बातें हम बोलते हैं। जुबान ऐसी चीज है जो तलवार से ज्यादा चुभने वाली है, तेज रहती है। इस वास्ते अगर तुम नौहर अप्पा के बारे में कुछ भी जानते हैं तो तुम नहीं जानते, लेकिन तुम्हारे दिल में ऐसे बातें नहीं रहती। नौहर अप्पा धोखा देती है लेकिन तमाम माहौल के लोग हैं, 1-2 जने सुनते हैं उनके दिल में दुश्मनी की वजह से सब बोलते रहते हैं। उन लोगों तमाम लोग दूसरों को बोल देते हैं और इसी तरह तमाम के जहर में इस तरह बैठ जाते हैं। हरगिज नौहर अप्पा के बारे में ऐसा ना बोलो। इंशाल्लाह नौहर अप्पा अब भी यही कोशिश में लगी है कि तुम्हारे पैसे लौटा दे। इंशाल्लाह तुम्हारा 1 रुपया भी जाया होने वाला नहीं है। तुमको ज्यादा फायदे के साथ नौहर अप्पा देने वाली है। तुम नौहर अप्पा को हरगिज बदनाम ना करो और नौहर अल्लाह पर भरोसा करो। इंशाल्लाह तुम्हारे पैसे आने वाले हैं और नौहर पर भी भरोसा करो। इतने साल से फायदा आने वाला है, इंशाल्लाह अब भी आएगा। लेकिन तुम नौहर अप्पा को बदनाम ना करो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।